Hello everyone, welcome to my channel exam base. In this video we will do the coastal plains. मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हिमालयस के बारे में बताया है. ये दूसरा डिवीज़न है कोस्टल प्लेन्स का. तो अब देखते हैं आगे. मैप जैसे देख सकते हैं ये पार्ट है कोस्टल प्लेन्स, ये वेस्ट है और ये ईस्ट कोस्टल प्लेन है. ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं. द नैरो कोस्टल स्ट्रिप बिटवीन द एजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया रनिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 6,000 किलोमीटर फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इन द ईस्ट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पर है वेस्ट में रन ऑफ कच्छ और यहाँ पर है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा ईस्ट में. कोस्टल प्लेन्स दो है जैसे मैंने बता दिया था, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स. पहले हम लोग वेस्ट कोस्टल प्लेन्स करते हैं. वेस्ट कोस्टल प्लेन्स फर्दर डिवाइड हो गया है. कच्छ पेनिनसुला सबसे पहला डिवीज़न है. कच्छ पेनिनसुला इट वॉज एन आइलैंड सराउंडेड बाई सीज एंड लगूनस. These seas and lagoons were later filled by sediments brought by the Indus River, which used to flow through this area. Thus, the island became a part of mainland, and comparatively broad plain was formed. Kutch Peninsula कहाँ पे, मैं वो आपको पहले बता देती हूँ. ये रहा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं Kutch Peninsula, ये है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Due to scarcity of rain and following surface water, the work of wind is felt everywhere and this has become rise to arid and semi-arid landscape. Along the north of Kutch, there lies a broad level salt-soaked plain. It is the Great Run. Its southern innovation is known as Little Run and is drained by Banas and Luni River. Ye hai कच्छ पेनिनसुला और ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है सॉल्ट से सोक्ड. यहाँ पर सोक्ड है, यहाँ पे जो लैंड मिलता है वहाँ पे सॉल्ट मिलता है. और एक है यहाँ पर है लिटिल रन ऑफ कच्छ. यहाँ पर बनस रिवर और लूनी रिवर बहता है. अब देखते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला. इस काठियावाड़ पेनिनसुला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि आप जब भी पढ़े मैप मतलब एटलस अपने पास रखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत जल्दी लर्न हो जाता है. अगर हम देखेंगे जैसे कि पहले वाला जो हम लोग पढ़े उसमें कुछ नहीं है, अगर मैप देख कर अगर हम लोग अगर जान जाएंगे कहाँ ग्रेट रन ऑफ कच्छ है कहाँ पर लिटिल रन ऑफ कच्छ है, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद करने के लिए. और हम लूनी रिवर कहाँ से आता है क्या है, तो हम लोग लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो अब हम देखते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला. इट लाइज टू द नॉर्थ साउथ ऑफ कच्छ. इट इज़ एनसर्कल ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बाय द लिटिल रन एंड द नाल बेसिन. द सेंट्रल पार्ट इज़ अ हाईलैंड ऑफ मांडव हिल्स फ्रॉम विच द स्मॉल स्ट्रीम रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन. माउंट गिरनार इज़ द हाइएस्ट एंड सपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन. द गिर रेंज इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला एंड इज फेमस एज होम ऑफ गिर लायन. अब मैप में देखते हैं, ये है मांडव हिल्स. जैसे हम बोलते हैं कि सेंट्रल पार्ट में मांडव हिल्स है, ठीक है, और साउथ में और ये जो गिरनार हाइएस्ट पॉइंट था वो यहाँ पर है, ठीक है, और वो था एक माउंट गिर रेंज था ना, वो ये है जो लायन के लिए फेमस था वो ये जगह है. तो फिर देख लीजिए कितना इजी है, बस एक और अगर आप नोट्स मतलब किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आपको लिखना है शॉर्ट नोट, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर आप एक मैप बना दो और उसके बारे में लिख दो. तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी याद है, मैप से तो ऐसे ही आदमी लिख सकता है इसके बारे में. ठीक है, अब आगे देखते हैं. गुजरात प्लेन lying east of Kutch and Kathiawar slopes toward the west and south west.
इट मे ऑलमोस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज इंट्रूजन ऑफ इंडो गंगेटिक कंडीशन इन टू पेनिनसुला फॉर्म्ड बाई रिवर नर्मदा तापी माही साबरमती द प्लेन इंक्लूड्स द सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ गल्फ ऑफ खम्बत. कच्छ पेनिनसुला है यहाँ पर, कच्छ पेनिनसुला है यहाँ पर, यहाँ पर है गुजरात प्लेन इसके ईस्ट में, ठीक है, और इसके साउथ में है काथीवार पेनिनसुला. और बोला गया है कि ये जो प्लेन है वो ड्रेन हुआ है साबरमती रिवर से, माही रिवर से, नर्मदा रिवर से और तापी रिवर से. इसका सदर्न गुजरात जो है उसका सदर्न पार्ट हुआ है, जो गुजरात प्लेन है उसका सदर्न पार्ट ये चारों रिवर से ड्रेन होता है. आगे देखते हैं कोंकण प्लेन. द साउथ ऑफ गुजरात प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम दमन टू गोवा फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 500 किलोमीटर विथ इट विद वेराइंग फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर. इट हैज़ सम फीचर ऑफ मरीन इरोजन इंक्लूडिंग क्लीफ रीफ्स एंड आइलैंड इन द अरेबियन सी. मुंबई वॉज एन आइलैंड बट द पार्ट ऑफ सी लाइंग बिटवीन द मेन लैंड एंड आइलैंड हैव बीन प्रोक्लेम्ड इन रिसेंट ईयर टू कनेक्ट द मेन लैंड. कोंकण प्लेन दमन से लेकर गोवा तक है, दमन एंड दीव है ना, वहाँ से लेके गोवा तक है और इसमें बहुत सारा, क्योंकि बहुत ही कोस्ट के पास है तो इसमें बहुत सारा मरीन इरोजन देखा जाता है जैसे कि क्लीफ रीफ और आइलैंड. तो उसी की तरह जो मुंबई है वो एक आइलैंड था बट क्या हुआ कि सेडिमेंट सब के कारण वो मेन पार्ट हो गया मेन लैंड का, मतलब कनेक्ट हो गया मेन लैंड से. अब मैप में देखते हैं यहाँ पर है दमन एंड दीव, ठीक है, और यहाँ तक गोवा है तो ये कहलाता है कोंकण कोस्ट. ठीक है, सॉरी अजीब लिखा गया पर ठीक है, ये दमन दीव से लेकर गोवा तक है हम लोग का कोंकण कोस्ट. तो इसमें कुछ वैसा लर्न नहीं करना, बस ये पता होना चाहिए कि कौन से जगह से कहाँ तक है और ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जो बीच में कितना वाइड है वो याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस कहाँ से कहाँ तक है वो ज़रूरी है. आप जब देखेंगे मैप आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से कहाँ तक है. तो अच्छा आगे देखते हैं कर्नाटका कोस्टल प्लेन. कर्नाटका कोस्टल प्लेन नाम है यानी कर्नाटका में ही होगा. तो देखते हैं फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर, ठीक है, इज़ अबाउट 25 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ नैरो प्लेन विथ एन एवरेज विथ ऑफ 30 to 50 किलोमीटर. वो था 50 to 80, ये है 30 से 50. द मैक्सिमम बींग 70 किलोमीटर नियर मैंगलोर, जो बहुत 30 से 50 है और मैक्सिमम कितना होता है 70 किलोमीटर मैंगलोर के पास. एट सम प्लेसेस द स्ट्रीम्स ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट डिसेंड अलोंग स्टीप स्लोप एंड मॉन्ग मेक वाटरफॉल्स. सरावती वाइल डिसेंडिंग ओवर अ सच स्टीप स्लोप मेक एन इम्प्रेसिव वाटरफॉल नॉन एज गेरोस्पा फॉल. ये इम्पॉर्टेंट है, ये फॉल इम्पॉर्टेंट है तो ये देखना. सरावती जो है वो रिवर है, वो डिसेंड करता है एक स्टीप स्लोप से और एक वाटरफॉल बनाता है. और ये जो कर्नाटका कोस्टल प्लेन है वो है गोवा से मैंगलोर तक और 25 किलोमीटर लॉन्ग है. कितना बड़ा है, क्या विड्थ है वो ज़रूरी नहीं है, बस कहाँ से कहाँ तक है. तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोवा से लेके मैंगलोर, ये देखिए गोवा से लेके मैंगलोर कर्नाटका कोस्ट है. ठीक है, आगे देखते हैं केरला प्लेन. फिर से वही है, केरला प्लेन कहाँ होगा, केरला में ही होगा. ऑल्सो नोन एज मालाबार प्लेन, ये मतलब आपको याद रखना है कि केरला प्लेन को मालाबार प्लेन भी कह सकते हैं. ये कहाँ से कहाँ तक होगा, बिटवीन मैंगलोर एंड कन्याकुमारी. मैंगलोर एंड कन्याकुमारी अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग, ये बड़ा है, 500 किलोमीटर लॉन्ग है. विच इज़ मच वाइडर देन द कर्नाटका प्लेन एट प्लेसेस इट इज़ 96 किलोमीटर. वहाँ पे मैक्सिमम था 70 किलोमीटर कर्नाटका में, पर यहाँ पर 96 किलोमीटर है. द बैक वाटर्स लोकली नॉन एज कयाल्स आर द सैलो लगून्स और इनलेट्स ऑफ द सी लाइन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन. यहाँ पर बहुत सारा
लगूंस देखा जाता है जो लोकली वहां पर कयाल्स कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कयाल्स क्या है, तो आई थिंक यू कैन आंसर नाउ। लार्जेस्ट इज द वेमानंद लेक, यहाँ पर एक लार्जेस्ट लेक है वेम्बानंद लेक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कोची इज सिचुएटेड ऑन इट्स ओपनिंग इन टू द सी, ठीक है। द ईस्ट कोस्टल प्लेन, इसका सबसे पहला डिवीज़न है द उत्कल प्लेन। इट कॉम्प्राइजेज द कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, इज अबाउट 400 किलोमीटर लॉन्ग, इंक्लूड्स द महानदी डेल्टा विथ कटक एट हेड। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस प्लेन इज द चिल्का लेक इन द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। इट इज़ द बिगेस्ट लेक इन द कंट्री एंड इट्स एरिया वेरीज बिटवीन 780 स्क्वायर किलोमीटर इन विंटर टू 1,144 स्क्वायर किलोमीटर इन द मानसून मंथ। सबसे पहला डिवीज़न है उत्कल प्लेन, यहाँ पर जितना कोस्टल एरिया है उड़ीसा का वो कंसिस्ट करता है इस कोस्टल उत्कल प्लेन, और यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट फिजियोग्राफिकल डिवीज़न है चिल्का लेक जो इंडिया का सबसे बड़ा लेक है, और यहाँ पे महानदी डेल्टा भी देख सकते हैं। मैप में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर उड़ीसा है ये जगह, यहाँ पर चिल्का लेक, ये रहा चिल्का लेक, उड़ीसा का कोस्ट और चिल्का लेक तक है, और आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश प्लेन भी है, वो है चिल्का लेक से लेकर पुलिकत लेक तक, वो जो यहाँ पर है यहाँ जो चित्तौड़ दिख रहा है ना, यहाँ पर इस एरिया में पुलिकत लेक। अब देखते हैं आंध्रा प्लेन के बारे में, लाई साउथ ऑफ उत्कल प्लेन एंड एक्सटेंड टू पुलिकत लेक। द लेक हैज़ बीन बैर्ड बाई अ लॉन्ग सैंड पिट नॉन एज श्री हरिकोटा आइलैंड, ये इम्पॉर्टेंट है श्री हरिकोटा आइलैंड। यहाँ पर ही हम लोग का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, यहाँ पर गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर अपना डेल्टा बनाता है। आंध्र प्लेन हैज़ स्ट्रेट कोस्ट एंड बैडली लैक्स गुड हैबिट्स हावर्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ विशाखापट्टनम एंड मछलीपट्टनम, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, हैबिट्स नहीं होगा वहाँ पे हावर्स होगा। तो यहाँ पर जो पोर्ट्स होता है वो लैक करता है, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट है जैसे विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। मैप में देखते हैं, ये रहा मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, और यहाँ पर महानदी और गोदावरी अपना डेल्टा बनाता है। अब आगे देखते हैं, गोदावरी कृष्णा डेल्टा बनाता है। अब लास्ट है तमिलनाडु प्लेन, ये लास्ट डिवीज़न है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम पुलिकत लेक टू कन्याकुमारी। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन इज कावेरी डेल्टा, ठीक है। द फर्टाइल सॉइल एंड लार्ज स्केल इरीगेशन फैसिलिटीज हैव मेट द कावेरी डेल्टा द ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया। ये हम लोग का लास्ट डिवीज़न है यानी तमिलनाडु, ये हम लोग का पुलिकत लेक से कन्याकुमारी तक है, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कावेरी रिवर जो डेल्टा बनाता है, ठीक है। मैप में देख लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा सॉरी, ये रहा जो दिख रहा है आपको तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लेकर पुलिकत लेक से लेकर कन्याकुमारी तक है, और एक चीज़ बचा हुआ है ईस्ट कोस्टल जो हम लोग का प्लेन है उसका अदर डिविजन्स भी है वो देख लेते हैं। पहला है नदन सिरकाज, ये इम्पॉर्टेंट है, यह है महानदी से लेकर कृष्णा तक, और एक कार्नेटिक है जो कृष्णा है कृष्णा से कावेरी तक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है तो लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा पहला फिर हिमालय फिजियोग्राफी नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।